हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और C.15 अपडेट आ चुका है और कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो चेकआउट कर लेना उसको मेरे चैनल पे जाके। बाकी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, आज हम करेंगे Geekbench टेस्ट और देखेंगे इसकी CPU परफॉर्मेंस कितनी इम्प्रूव हुई है लास्ट टाइम से। तो यहाँ पर मैं पहले आपको वर्जन दिखा देता हूँ, जो मेरा वर्जन है C.15, कल ही अपडेट मिल गई थी। और अगर जिन लोगों को नहीं मिली है उन लोगों को मिल जाएगी एक वीक के अंदर, क्योंकि ये रोल आउट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो चिंता मत करिए। और बात करें इसकी परफॉर्मेंस की, अभी तक मतलब एक दिन हो चुका है मुझे यूज़ करते हुए, काफ़ी सही है परफॉर्मेंस। थोड़ा मुझे स्पीकर वॉल्यूम थोड़ा लो लग रहा है, पता नहीं शायद मुझे ही लग रहा होगा या फिर एक्चुअली में होगा। और कल मैंने लोगों से पूछा था कि यार ये 5G का ऑप्शन आया है नया या ऐड किया या नहीं, तो लोगों ने बहुत सारे लोगों ने यही कमेंट किया कि पहले से था, तो नया कुछ ऐड नहीं किया है सेटिंग में। बस जियो 5G जो लॉन्च होने वाला है, मोदी जी लॉन्च करने वाले हैं इसको नेक्स्ट मंथ में 1 अक्टूबर को, तो उसके रिलेटेड इन्होंने मतलब 5G का सपोर्ट दे दिया। अब देखना यह है कि किन किन शहरों में आता है, अगर मेरे शहर में आया तो मैं ज़रूर इसको टेस्ट करूंगा और आपको बताऊंगा अगली वीडियोस में। 1 अक्टूबर के बाद आने की प्लानिंग है, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी बात करें इसकी और चीज़ों के बारे में, तो परफॉर्मेंस में यार कोई भी ऐसा कुछ मुझे बूस्ट देखने को नहीं मिल रहा है इसके। अभी देखते हैं इसके स्कोर्स कितने आते हैं। बाकी एक बात और कहूँगा यार, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे नीड है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है इस डिवाइस को लॉन्च हुए और बहुत कम यूट्यूबर्स इसको मतलब शेयर कर रहे हैं अब इसकी वीडियोस, तो मैं आपके लिए करता रहूँगा नेक्स्ट ईयर तक भी, क्योंकि मेरा प्राइमरी डिवाइस है। तो यार यहाँ पे लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार मोटिवेशन उसी से मिलती है इन वीडियोज़ को बनाने के लिए। बाकी एड रिव्यू तो पूछो मत यार। तो और अगर एक और अपडेट देनी थी, रात के 12 बजे मैं स्ट्रीम करता हूँ, तो अगर चिल स्ट्रीम देखनी हो तो रात के 12 बजे मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। बाकी बात करें इसकी और चीज़ों के बारे में, तो नेटवर्क कनेक्टिविटी अभी भी पिंग इशू हमें देखने को मिल रहा है। मैंने गेम खेले यार, पोकेमॉन यूनाइट में तक हमें पिंग इशू देखने को मिल रहा है। ये 5G कनेक्टिविटी दे रहे हैं लेकिन पिंग इशू सॉल्व नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है इनको। रियलमी वालों से मेरी खास गुजारिश है, एड्स पे फोकस ना करके एक यूज़र इंटरफेस अच्छा बनाने की कोशिश करें। हम एनिमेशन तो पूछ ही नहीं रहे, आप कस्टमाइज्ड एनिमेशन दो, हम तो ये बोल रहे हैं भाई कि इसमें अच्छा खासा हमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो दे दो। पिंग इश्यूज़ हैं, वाईफाई से कनेक्ट करो तो पिंग इश्यूज़ हैं, थोड़ी स्पीकर की वॉल्यूम मुझे लो लग रही है और ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन हम उसको मतलब ऐसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हैं इसमें प्रॉब्लम्स। तो यार Realme 2.0 पे जो भी लोग थे वो काफ़ी सही थे, मैं तो वापस से बैक होने की सोचता हूँ हमेशा, लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में वापस से कर नहीं पाता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो 100% हो चुका है, स्कोर आ चुका है 962 एंड मल्टी स्कोर थोड़ा बड़ा हुआ है 3086, हम इसको लास्ट वाले स्कोर से भी कंपेयर करेंगे, लेकिन ओवरऑल स्कोर मैं कहूँगा अच्छा आया है। मतलब स्कोर्स तो यार अच्छे आते ही हैं, बात वो होती है कि डेली परफॉर्मेंस कैसी है, तो उसके बारे में एक फुल रिव्यू वीडियो आएगी, उसको ज़रूर देखना। बाकी इसके स्कोर्स अब देख सकते हो आप, ये 962 कुछ आए हैं सिंगल स्कोर में और 3086 आए हैं मल्टी कोर में। ओवरऑल मैं बात करूं उसके स्कोर से रिलेटेड, तो मुझे 3000 के ऊपर मल्टी स्कोर में बहुत कम देखने को मिला है, ऑलमोस्ट मतलब 3000 से नीचे ही रहता था, 2900 कुछ समथिंग रहता था, लेकिन इस बार 3000 के पार गया। तो देखते हैं अब क्या, मतलब गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह में देखता हूं मैं, बाकी पिंग इशू सॉल्व हो जाता तो और अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती। तो यहां पे आप देख सकते हो लास्ट टाइम का मैं दिखाता हूं आपको, लास्ट टाइम हमें सिंगल स्कोर में मिला था 973, नीचे मिला था 2957। तो ये आप देख सकते हो अभी मल्टी स्कोर में थोड़ा बड़ा है तो सिंगल स्कोर में थोड़ा कम हुआ है। अब ये स्कोर डिफर करेंगे वेरिएंट टू वेरिएंट, मेरा 8GB वेरिएंट है, आपका कितना होगा उसके हिसाब से आपके स्कोर्स आएंगे, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, स्कोर्स तो अच्छे ही देता है, ये हमेशा से ही अच्छा दे रहा है। CPU थ्रॉटल में देखते हैं कितना थ्रॉटल करता है, अगली वीडियो ज़रूर आएंगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने मतलब वो वाली मेरी वीडियो नहीं देखी है कि फ्लैगशिप प्रोसेसर क्यों हमें इतनी प्रोसेस नहीं देते हैं, मतलब परफॉर्मेंस उतनी नहीं देते हैं, तो ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं इसमें और आप रिलेट कर पाओगे उसको, और उसको लाइक करना शेयर करना। बाय बाय।